नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है आशीष उरान, बेतिया वेस्ट चंपारण बिहार से। कान से सीटी बजना वरने तकलीफ़ों के चलते हमारे पास पहुँचे हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि कान में क्या चल रहा है। प्लीज़ शो द मॉनिटर सर, वन प्लीज़। के साथी को भी बुला दीजिए। लेफ्ट ईयर में हम देख सकते हैं सब टोटल परफोरेशन, कान के पर्दे में बड़ा छेद है और हड्डियों में भी गलन दिखाई दे रही है, कान में बहाव भी है। ठीक है साथी जी, देख पा रहे हैं आप? जी देखा। ठीक है, अब हम दूसरे कान का भी अध्ययन करना चाहेंगे। आशीष जी, इस कान में कोई तकलीफ तो नहीं रहती सर है आपको? इसमें भी हल्का का दर्द रहता है और खुजली हमेशा रहती है इस कान में। जी, ठीक है। टीएम इंटैक्ट, पर्दा सुरक्षित है, ओटाइटिस एक्सटर्नल, थोड़ा खुजली रहती है। ठीक है, आपकी इस तकलीफ के लिए विभिन्न अध्ययन करके, विभिन्न जांचें करके समुचित लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। अशोक बेस्ट टीम में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। बेतिया वेस्ट चंपारण बिहार से हमारे साथ में आशीष औरवन जी, और कान से संबंधित आपकी तकलीफ के बारे में हम जानना चाहेंगे। आशीष जी, जी सर। आपके अपने गांव और जिले के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम है आशीष राव, मैं बिहार से हूँ, जी जिला पश्चिमी चंपारण जी बेतिया से हूँ, और मैं यहाँ अपने कान की ऑपरेशन के लिए आया हुआ हूँ। जी कान से संबंधित आपकी क्या तकलीफ रही? सर मेरा कान में दर्द रहता है, सीटी जी हमेशा बजती रहती है कान में, जी लगता है कि मतलब सीटी हमेशा लगातार होती है सीटी। जी कान में हमेशा सीटियों की आवाज़ आपको तंग करती है, जी हाँ सुनाई कैसे देता है? एकदम मतलब कि ज्यादा ही सीटी आती है कान में। अच्छा, सीटी से आप मुख्य रूप से परेशान हैं, बहुत परेशान अवांछित सीटियों के बजने से आप परेशान है हैं, और मेरा कान में और तकलीफ भी रहती है, दर्द होती है। दर्द, ओकेजनल पेन भी रहता है। ठीक है, आपकी इन सभी समस्याओं को दूरबीन पद्धति द्वारा निवारण किया जाएगा और इसके लिए हमारी टीम पूर्ण रूप से तैयार है, और अब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सुन्न की या संवेदना हरण की प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, ओके जी। दूरबीन विधि द्वारा आशीष जी के कान का ऑपरेशन संपन्न हो गया है। हम कान के आंतरिक हिस्से को देख सकते हैं, यहाँ सफ़ेद रंग का हमें जेल फॉर्म दिखाई दे रहा है जो कि सीमेंटिंग सब्सटेंस है। 1 से 1.5 महीने में यह स्वतः ही घुलकर लाल भूरे रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा या हार्ड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और कान के पिछले हिस्से को हम देख सकते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई चीरा कट्टा का निशान इत्यादि नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा किया गया है। एक बार आशीष जी से मिलवा दीजिए। आशीष जी कैसे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया जी हैं। हाँ ऑपरेशन से पूर्व आप काफी चिंतित थे। जी, हाँ सर, बहुत ही परेशान था। अब आपका ऑपरेशन संपन्न हो गया है, जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत ही अच्छा, मतलब कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, जी बहुत ही आराम से मेरा ऑपरेशन हो गया। जी आप देश के उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कान के पर्दे में छेद, सफेद चकत्ते, कान के बहने, सुनाई में कमी इत्यादि के चलते भर्तियों से वंचित रह जाते हैं, अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? जी यदि किसी को मतलब कान की समस्या है किसी जी प्रकार भी, जी तो उसे सिर्फ एक ही अस्पताल है जो कि अशोक बेस्ट के पास आ जाए, जी सारे समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जी धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, आपने टीम अशोक बेस्ट में बहुत विश्वास रखा, उसके लिए टीम बहुत आभारी है। थैंक यू फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद।